नया रास्ता पाठ 6। मायारेम जी के घर पर चर्चा का विषय था धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की ही प्रशंसा सुनाई देती, परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था, आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है, ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कोई कमी नहीं, फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं? मीनू का भोला भाला सांवला सलोना चेहरा पहली नजर में ही अमित का दिल मोह गया था। कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना किया गया था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी माँ और पिताजी के सामने बोल सके। एक दिन उसने माँ के सामने कहने का साहस किया, माँ तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो उसे घर में लाने के लिए? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा है, परंतु उसका फोटो तो अच्छा है, क्या बुरी है देखने में? माँ ने जवाब दिया। माँ मीनू में भी क्या कमी है देखने में? ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारे काम करने में चतुर है। माँ मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है, पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे। माँ बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, पर माँ जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब उन सबके दिल पर क्या बीती होगी? अमित कुछ उदास सा हो गया। बस इतनी सी बात सोच रहा है? अमित तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो, एक ही बहू घर में आनी है, दो चार जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी, और फिर शादी गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं, जो जब चाहे शादी कर ले जब चाहे छोड़ दे, जिंदगी में एक ही बार होता है विवाह, माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ माँ कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, इतने बड़े घर की लड़की आकर तुम्हें आराम दे सकेगी, क्या तुम्हारे कार्यों में मदद कर सकेगी? यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ, नौकर रख लेंगे, क्या जरूरत है कि बहू घर में आकर काम करे? और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे कहाँ काम करना आता होगा, घर में नौकर ही काम करते होंगे। तुम सब समझती हो, जानती हो माँ देखती नहीं मौसी की हालत? बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली, देख ली उस सुंदर सलोनी बहू ने क्या हालत बना रखी है मौसी जी की, अमित ने माँ को समझाते हुए कहा। हाँ वो तो है, माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, मौसी जी ही घर का सारा काम करती रहती है, यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू से कहती भी है तो वह यही उत्तर देती है, माँ जी मुझे नहीं आता यह काम, मैंने तो अपने घर में कभी किया ही नहीं है, हमारे घर में तो कई कई नौकर रहते हैं, इसलिए हमें काम की आदत नहीं है। घर के काम से कोई मतलब नहीं रहता उनकी प्यारी बहू को, वैसे हाँ क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। अब तो वह एक बच्चे की माँ भी बन गई है, पर उसे तो अपना क्लब ही प्यारा है, बच्चे को भी मौसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ एक दिन मौसी जी के घर गया था, मौसी जी को जो तेज बुखार था, पर तो उस बुखार में भी वे घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था, मुझे तो बहुत अधिक दया आ रही थी मौसी जी पर, अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास सा होने लगा था कि न जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी कि नहीं। अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि इतने में बाहर एक कार आकर रुकी। धनीमल जी ने उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया, उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर फल की पेटी लिए आ रहा था। घर में अमित के पिताजी नहीं थे, इसलिए अमित ने ही उनकी कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। पिताजी की अनुपस्थिति में उसका ही कर्तव्य था
कि वह अपने घर आए मेहमान का स्वागत करे। धनिमल जी के साथ आई फल की पेटी अमित को एक आंख भी नहीं भा रही थी। वह समझता था कि अपने पैसे का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते हैं। जब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फल किस बात के? अमित से रहा नहीं गया, उसने धनिमल जी से पूछ ही लिया, ये फल क्यों ले आए हैं आप, इस सब की क्या जरूरत थी? धनिमल जी बोले, बेटे कश्मीर से 4 पेटी सेब मंगाए थे, मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चले, खाकर देखो बेटे बहुत मीठे सेब है। उनकी यह बात सुनकर अमित को क्रोध सा आ गया। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देता, पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटे क्या बात है, इतने उदास क्यों हो गए हो? माँ, अभी कोई बात नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ है और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए हैं, कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब है, जैसे हमने कभी मीठे सेब खाए ही नहीं है, अमित गुस्से में बोलता रहा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, इसमें इतने गुस्से होने की क्या बात है, जब संबंध जुड़ जाता है तब खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसा ही उन्होंने किया है, इतना गुस्सा करने से क्या फायदा है। अच्छा माँ, तो तुम भी उन्हीं के पक्ष में बोल रही हो, ठीक है, तो तुम सबने सरिता को इस घर में लाने की ठान ही रखी है, गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अमित सामने रखा समाचार पत्र देखने लगा। धनिमल जी उस दिन सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने गए थे।